भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में खराब शुरुआत के बाद भी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से पूरे शबाब में नजर आ रहे हैं और पुजारा के साथ मिल कोहली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक कोहली किसी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को बख्शने की मूड में नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कोहली ने जोश हेजलवुड के एक ही ओवर में 3 शानदार चौके जड़ अपने इरादे जता दिए हैं कि बेशक भारतीय सलामी बल्लेबाज असफल रहे लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के 326 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया फिलहाल संघर्ष करती नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन। टीम इंडिया ने मात्र 8 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए। भारत ने पहला विकेट तीसरे ओवर में ही गंवाने के बाद अभी संभला ही नहीं था कि लंच के थोड़ी देर बाद लोकेश राहुल भी मात्र 2 रन के निजी स्कोर पर हेजलवुड का शिकार बन पवेलियन लौट गए। हालांकि पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ने वाले स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डट कर मुकाबला करते हुए चायकाल तक भारत का स्कोर 70 रन पहुंचा चुके हैं। कोहली 37 रन बनाकर नाबाद हैं जबकि पुजारा 23 रन। लेकिन अगर भारत को यह मैच जीतना है तो पुजारा और विराट को हर हाल में बड़ी पारी खेलनी होगी। आपको क्या लग रहा, पुजारा और विराट शतकीय पारी खेल भारत को मैच में वापसी कराने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।